गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। तो गाइस आज डे 3, जैसे आपके पास अभी आए साथ डेली व्लॉगिंग हो ही जा रही है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, हमारा पेपर भी आने वाले हैं बट इतना करीब नहीं, क्योंकि अब हमारी कल इंस्पेक्शन हुई थी, बहुत डर लगा था बट कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 सर आए, उन लोगों ने कुछ सवाल पूछे जो हमें याद भी थे। बहरहाल तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, नमाज ही पढ़ लिया हल्का शुगर, बाकी जो मुझे बहुत भूख लगी है, मामा ने बनाई मुर्गी का सालन जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एंड करेले ओफ़ बिल्कुल नहीं पसंद, तो अब मैं अपने लिए आलू तल रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे आलू बन जाए फिर मैं खाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस इसकी रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से आलू लो और उनको अच्छी तरह से धो लो, उसमें थोड़ा सा बेसन डालो और मसाले जैसे नमक मिर्ची चाट मसाला कुछ भी डाल दें, फिर बन जाए, फिर हम लोग खाते हैं। A few moments later. तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गाइस खा के टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं अपना खाना खा लूं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो मैं खाना खा चुकी हूँ, बहुत मजे का खाना बना था। तो खाने में क्या था, बस आलू की चिप्स थी, तो मैंने थोड़ी सी मुर्गी का सालन खा लिया था। मम्मा ने कहा खाओ खाओ, बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, क्योंकि शुरू में मैंने अपने खाना नहीं खाया था तो मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे एक हफ्ता पूरा बुखार चला था 2-3 दिन वाले समझ। गाइस मेरे तो बहुत अच्छे आलू बने थे, क्योंकि वैसे मैं बनाती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं बनाया, मैंने पहले बनाया, पर जो ना मैं बनाती हूँ तो देखो अभी ऑयल गर्म होता ही नहीं, मैं पहले आलू डाल देती हूँ, तो आलू एक दूसरे में चिपक जाते हैं ना पूरे, ना वो चावल बन जाते हैं बिल्कुल नरम नरम, जैसे कि आटे की तरह बिल्कुल, फिर खाने में टेस्ट भी इसका अच्छा नहीं आता, तो इसलिए ऐसे मुझे कड़क बहुत पसंद। मम्मा ने मुझे बस डाल के रही, फिर मैं चलाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। गाइस आता है लकड़ा शुक्र, पर इतनी कुकिंग नहीं आती, पर आई लव कुकिंग आलू के अलावा, एंड बिरयानी भी अच्छी बनाती हूँ, मैं हर चीज़ अच्छी बनाती हूँ बस आलू के अलावा। देन तो गाइस अगर अभी आप तक ने सुना, अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ, किस चीज़ का, आप कमेंट क्या करें, कमेंट को पूरे कमेंट को भर दें, कहीं जगह ना छोड़े, जो आप चैलेंज करेंगे, जो आप कहेंगे, जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए पूरा हफ्ता 2-3 हफ्ते व्लॉग नहीं दे रही थी। तो अब मैं अगर एक दो व्लॉग बना लेती हूँ ना, तो फिर बस बार बार व्लॉग व्लॉग, और स्कूल का काम भी मैंने कर नहीं किया था आज, टीचर ने मुझे डांट, मैंने कहा मिस मैं व्लॉग बना रही थी, मिस को भी मेरा चैनल का पता है, तो टीचर मुझे सपोर्ट करती है, आप भी करते हैं, थैंक यू। एंड मैंने आपको कहा था कि मेरा चैनल पीछे चल रहा था उसको आगे करें, तो आपने तो बहुत आगे करे, थैंक यू उसके लिए भी। गाइस मम्मा ने मुझे एक काम कहा है, वो काम ये है कि मुझे इस कमरे की करनी है छोटी मोटी सी सफाई, ये मेरे लिए आसान काम है बट मुझे आपको भी दिखाना है, तो कैमरा सेट करो फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस कुछ ये है कमरे की हालत, इतनी बुरी भी नहीं है, मैं सही गाइस फाइनली कमरा ठीक हो चुका है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कमरा कैसा सही हुआ। तो
गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये रूम टूर की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस शाम हो चुकी है, मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, हल्का सा रेडी फूडी हो चुकी हूँ एंड जैना भी आई हुई है। तो आज जो है हम लोग का पार्क जाते हैं, मानू वर्लन से पार्क की छुट्टी की है और स्कूल का भी इतना काम नहीं मिला और पेपर भी लेट हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा आज चलते हैं पार्क। तो मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी मैं हल्का हल्का रेडी हो चुकी हूँ, महानूर अभी आ रही है बाहर के कुछ काम से, जैनब भी रेडी होकर आ रही है, फिर हम तीनों को रुकते फुल लुक दिखाते हैं आपको। तो गाइज ये है जैनब की फुल लुक, गाइज ये है महानूर की फुल लुक, गाइज ये है आसपा की दोस्त, ये भी हमारे साथ चल रही है। गाइज हम लोगों ने शूज़ पहने हुए क्योंकि सर्दी आ गई हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं चीज़ खाते खाते, तो गाइज हम लोग जा रहे हैं चीज़ खाते खाते पहुंचे। फिलहाल हम लोग पार्क में जाएंगे, मैं आपको पहले पार्क दिखा चुकी हूँ, अब हम लोग डायरेक्ट जानवरों के पास जाएंगे। हम देखने जा रहे हैं, देखिए हम पार्क से गुजर रहे हैं। तो गाइज देखिए सामने अल्लाह का नाम है। गाइज ये सारे खुश हैं, आप लोग खुश हो? गाइज देखें अभी कितने कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। गाइज हमारे यहाँ का ये गेस्ट हाउस है। गाइज यहाँ पे देखें कुछ बेंचेस लगी हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी। गाइज कुछ देर हम यहाँ बैठते हैं, बहुत थक चुके हैं पैदल चलते चलते। गाइज अभी हम लोग जानवरों के करीब पहुँच गए हैं, मगरिब होने वाली अंधेरा तो व्लॉग बनाने बहुत मुश्किल होगी। कितने प्यारे फूल हैं देखें, मछली का स्टैचू बना हुआ है। गाइज देखें वो रही हिरन, अभी जाली है, हम जाली से इतनी मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज देखिए वहाँ पे बदके भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी। तो गाइज मैं आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस दिखाऊंगी क्योंकि गाइज मकरीब होने वाली है तो ब्लॉग बनाने बहुत मुश्किल होगी एंड अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ सॉरी। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। गाइज देखिए वहाँ पे कुछ स्टैचू है, गाइज वो मुझे छोड़ के भाग रहे हैं, अभी भागना पड़ेगा। स्टैचू ऐसा है जैसा कि रियल मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज देखें ये बिल्कुल रियल लग रहा है एंड ये कुर्सी पे बैठ के पड़ा है। गाइज इनके शूज देखें, इनकी आईज देखें, इनके हैंड देखें, अभी ये नहीं पड़ेगा तो मुक्का लगेगा। तो गाइज देखें ये बिल्कुल रियल लग रहे हैं, ऐसे कहते प्यार लग रहे। गाइज यहाँ पे अभी है मोर वगैरह तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज देखें ये है मोर, अभी हमने पत्ते खिला रहे हैं, वो सारे भाग के आ रहे हैं एंड वहाँ पे कुछ मोर हैं, वो यहाँ से समझ रहे हैं कि हम लोग आ सकते हैं बट नहीं आ सकते। ओ गाइज मुझे बहुत डर लग रहा, हम पत्ते खा रहे हैं खिला रहे हैं। तो बाय गाइज अभी हम लोग घर जा रहे हैं, उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा।